हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैचल के स्टडी में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। हम लोग इसमें जीआईसी मेंस के क्वेश्चन रिसर्च कर रहे हैं। दो लेक्चर हमने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया, दो लेक्चर फिजिकल का, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक का भी। दो लेक्चर होंगे, ऐसे ही वीकली रिपीट होता रहेगा। तो ऑर्गेनिक में जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका जीओसी, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आरपीसी नॉमेनक्लेचर, आपका बाकी इसमें जितनी भी एसिडिक बेसिक कैरेक्टर है, जनरल ऑर्गेनिक जितना भी आएगा सब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन, ये तीन टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। टॉपिक दो टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, गिव टू मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बिन, मतलब कार्बिन बनाने के दो मेथड बताने हैं। अगला क्या है उसमें, इसी क्वेश्चन में आगे क्या होता है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कार्बिन विद ई एंड जेड टू ब्यूटीन। ई जेड बेटा वही आपका सिस ट्रांस वाले फेज में, यहाँ पे ई जेड लिख रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, आपको जो बच्चों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, वो कह रहे हैं सर कि वर्ड हम कैसे गिनेंगे, 50 वर्ड कैसे गिनेंगे। बेटा आपको इतना टेंशन लेना है, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका आंसर जब तैयार करिए तो पहले आप उसके बारे में जितना जानते हैं सब लिखिए। अभी जब आप धीरे धीरे तैयार करते जाएंगे तो जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो अपने आप कुछ चीजें आप भूलेंगे, तो वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाएगा। वर्ड्स लिखने का मतलब क्या होता है कि भाई से 10 नंबर क्वेश्चन में 50 वर्ड बोल रखा है, तो आप उसमें 60-70 वर्ड भी लिखेंगे तो नाराज नहीं होगा वो, लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन कुल 20 करने हैं तो साथ आपकी टाइम अपने आप खर्च होती रहेगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबकी करिए, बाकी वहाँ कुछ ना कुछ आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कम आ रहा है, कोई बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस कर लेंगे तो मैनेज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है, दो पार्ट में क्या होगा, ये कंप्लीट डायरेक्शन करना है। पहले वाले में ये आपको कंप्लीट डायरेक्शन या प्रोडक्ट लिखना है, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, मैकेनिज्म के नहीं बतानी है। यदि आपको पता है तो मैकेनिज्म बता सकते हैं, यदि आप मैकेनिज्म बता दिए तो पहले प्रोडक्ट लिखिए फिर मैकेनिज्म लिखिए, जैसा आंसर हो आपसे। अगला क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म, साफ साफ यानी इस वाले मैकेनिज्म दे भी सकते हैं नहीं दे सकते, जैसा आपका टाइम रहे उस हिसाब से करेंगे। लेकिन इस वाले मैकेनिज्म बोल रखा है तो डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है, इसके आपको मैकेनिज्म बतानी है। तो पूरा आप कंप्लीट मैकेनिज्म बताएंगे, मतलब स्टेबल इंटरमीडिएट दिखाएंगे, फिर उसका कैसे कार्बन मतलब का इलेक्ट्रोफाइल बना वो सब, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, वो सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये वाला बेनजीन पर, तो इसका आप पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से लिखेंगे। अगला देखिए, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी है तीन पार्ट में रिएक्शन है, 5-5 नंबर के तीनों क्वेश्चन है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का आपको मैकेनिज्म बताना है, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन हुआ, 5-5 तीन क्वेश्चन हुए, तो यदि आपको तीनों आते हैं तो 15 नंबर आपका काम हो गया। यही जानते हैं फिजिकल में और ऑर्गेनिक में एक बेनिफिट है, फिजिकल में भी आपको मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलेंगे, यहाँ भी आपको मैथमेटिक्स की तरह मिलेंगे। यहाँ पर रिएक्शन सही लिखी, मैकेनिज्म सही लिखी तो 15 में आपको 15 भी मिल सकता है। ओके, इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको मैकेनिज्म लिखनी है। पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर उसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द टू एल्कीन फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग E2 रिएक्शन व्हिच इज मेजर प्रोडक्ट। तो आपको ये रिएक्शन जो देखिए इसमें आपको क्या करना है, दो एल्कीन बनेगा, आपको पहले मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक, और माइनस दोनों बताएंगे, तो मेजर वाला मेजर क्यों है ये बताना है, और एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑफ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट से इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये तीन क्वेश्चन का कॉपी करिए, फिर आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कस हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइबिंग हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग। आपको पहले हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी बताना है, यानी उसको लिखना है, उसके बाद इन 1, 2, 3, 4, 5 में कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है वो आपको बताना है। तो इस वाले आपको पता है कौन कौन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है, बाकी ये तीन ये और ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों एरोमेटिक है ये दोनों, ये आपको बताना है, या बाकी एरोमेटिक क्यों नहीं ये भी बताना है। हकल रूल पहले आपको लिखना है एरोमेटिसिटी का, उसके बाद आपको इसको बताना है कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, असाइन RS नॉमेनक्लेचर एंड EZ कॉन्फिगरेशन ऑफ द टू द कंपाउंड्स। मेरे YouTube चैनल पर आपको जीओसी में आप देखेंगे तो RS नॉमेनक्लेचर का भी मैंने रूल बता रखा है, EZ का रूल बता रहा है, आपको पता है अच्छी बात है, वरना वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद ये कुल 5 कंपाउंड दिए हैं, इसका आप RS नॉमेनक्लेचर, जैसे ये आपके तीनों इनमें RS नॉमेनक्लेचर आप निकाल सकते हैं। पहले आपको सीक्वेंस रूल निकालना है, प्रायोरिटी उसके बाद फिर करना है, कि तीनों में आप RS नॉमेनक्लेचर बताएं कौन R है कौन S है और इन दोनों में कौन EA कौन Z है। तो बहुत आसान है, इजीली आप पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आपने 5 आंसर सही बता दिए तो आपका 100% मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन है,
15 मार्क्स आपके हो गए। तो आसान है ऐसा नहीं, ऑर्गेनिक में मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स 93 मिलता है, सही करेंगे तो 100% मिलेगा, नहीं करेंगे छट जाएगा। तो इसके प्रैक्टिस करिए, इसे कॉपी करिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन 6 की बात है। क्या क्वेश्चन है? डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ चेयर एंड बोर्ड कंफर्मेशन ऑफ मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो मेथिल साइक्लोहेक्सेन का आपको बोर्ड और चेन कंफर्मेशन बनाना है, उसकी स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है, ये भी आपको मेंशन करना है। अगला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए टू डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेप्स। तो इन रिएक्शन स्टेप्स में आपको ए से लेकर डी तक आपको राइट करना है, यानी पूरी रिएक्शन लिखनी है। ए क्या होगा, जो रिएक्शन करता है एल्कलाइन केमल फोर से, तो ये बनाता है, फिर उसमें एस टू से फोर कराते हैं, एस टू निकल जाता है तो बी बनाता है, उसमें 1-2 शिफ्ट होता है तो सी बनता है, सी में एस प्लस लगता है तो डी बनता है। तो यानी आपको ए बी सी डी इन सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कार्य तो कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है बताते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8, हाउ आर फ्री रेडिकल्स जनरेटेड। तो फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं ये पहले आपको बताना है, ठीक। उसके बाद डिस्कस द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फ्री रेडिकल गिविंग रीजन। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल फ्री रेडिकल लिखा है, तो एल्किल फ्री रेडिकल की आपको स्टेबिलिटी बतानी है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट से आपको उसकी स्टेबिलिटी बतानी है। उसमें आपके पास ये भी ध्यान रखना है, एक आध के स्ट्रक्चर बना दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर सबको मत दिखाई, किसी एक का दिखा दिए, बाकी मैंने दिखा दिया, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो टर्शियरी जो फ्री रेडिकल होगा एल्किल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी का सबसे कम स्टेबल होगा। तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बताएंगे, रीजन भी बताएंगे, साथ ही कैसे बनता है ये भी बताएंगे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपको रिएक्शन करनी है, ए बी इसमें दो तरह प्रोडक्ट बने, 1-4-1-2 रिएक्शन होगा, आपको पता है इसमें एक कॉन्जुगेशन वाला होगा, दूसरा कैसे होगा। दूसरा इसमें इस वाले में क्या करना है, ये बी एस थ्री ईथर है और उसके बाद ये, तो ये रिएक्शन कौन सी है, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बड़ा रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ तक हाइड्रोबोरेशन है, उसके बाद क्या है ऑक्सीडेशन। तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला आपको नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि एक दिन में 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो 9th क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया तो उसको मिटा के लिख दें। उसको हम क्वेश्चन था, डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ चेयर एंड बोर्ड कंफर्मेशन ऑफ मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 10 लिख दे रहे हैं, 6 आपने कॉपी कर लिया, हम क्वेश्चन 10 लिख रहे हैं। 10 क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ साइड चेन। क्वेश्चन 10, explain the mechanism of side chain bromination of toluene। toluene का side chain bromination करना है, यानी सीधी बात है free radical रिएक्शन करनी है, तो उसके आपको मैकेनिज्म लिखनी है। पहले एक आपका निकलेगा एच हटेगा एच रेडिकल, फिर आपका बी आर रेडिकल बनेगा, तो आपको तीनों एच हटाना है, तीन बी आर रेडिकल लगाना है, उसकी मैकेनिज्म बतानी है। ओके, तो इसे कॉपी कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।